सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर्स नेम इज सर्कल्स एंड वी आर स्टार्टिंग टॉपिक नंबर 10.7। सो फार वी हैव स्टडीड अबाउट थ्योरम, सम थ्योरम्स बेस्ड ऑन सर्कल्स। सो थ्योरम हमने कितनी थ्योरम्स पढ़ ली हैं इस चैप्टर में, पहले तो मुझे कोई एक बच्चा बताए कितनी थ्योरम्स हम पढ़ चुके हैं। सेवन सेवन थ्योरम्स है ना? सेवन यस। कैन एनीबडी टेल मी द स्टेटमेंट्स ऑफ दोज थ्योरम्स? कोई एक बच्चा या एक से ज्यादा बच्चे भी बता सकते हैं अलग अलग थ्योरम के स्टेटमेंट्स। सात जो थ्योरम हमने पढ़ी हैं उनके स्टेटमेंट्स बताइए अपनी लैंग्वेज में। रिवीजन से स्टार्टिंग करेंगे। बताइए बेटा। सर्कल बेटा आवाज ना आपकी कम, रुको एक मिनट, आवाज 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 कम आ रही है। हाँ बताओ जरा दोबारा से, स्टार्टिंग कीजिए। सेंटर ऑफ सर्कल टू कोड बाइसेक्ट द कोड। कौन सी थ्योरम बता रहे हो आप? नंबर वाइज बताइए, थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट बताइए पहले, है ना? हाँ आपने थ्योरम, बेटा आप लोग, आपकी ना आवाज क्लियर नहीं सुनाई दी मुझे अभी। किसने बताया था पहले तो मुझे बताओ, नाम बताओ। अभय ने, अभय ने, ओके। सूर्यांश ने बताया था। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी, जरा मुझे माइक्रोफोन ऑन करके कुछ बोलो तो मुझे पता चलेगा किसकी आवाज क्लियर आ रही है। मैम गुड मॉर्निंग। दीपेंद्र की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और सूर्यांश आप ट्राई कीजिए। हाँ अब है, ठीक है, अब है आपकी वो आवाज ठीक आ रही है, आप बोलिए। यस मैम, थ्योरम 10.1 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एट द सर्कल। इसका मतलब है कि जब दो इक्वल कॉर्ड्स एक सर्कल में जब सेंटर पर इक्वल बनाएंगी तो वो एंगल भी इक्वल होंगे अगर वो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो। जी, अगर सर्कल, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे जो वो एंगल्स बनाएंगी वो एंगल्स भी यस इक्वल मैम होंगे। ठीक इक्वल है, होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बताऊं मैम, जी बताइए। इसका कन्वर्जन 10.2, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि अगर एक सर्कल पे जब सेंटर पर दो जो एंगल है वो इक्वल होंगी तो इसका मतलब है कि वो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। इसका कन्वर्स है थ्योरम 10.1 का। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 10.3। यस मैम 10.3 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब है कि जब एक सर्कल में सेंटर से एक परपेंडिकुलर एक कॉर्ड पर डाली जाएगी तो बाइसेक्ट करेगी उस कॉर्ड को। मैम वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 10.4 मैम इसका कन्वर्ज है। मैम इसका मतलब है कि जब एक कोई लाइन डाली लाइन, जाएगी कोई ना लाइन मैम। अगर हम ड्रॉ करें हाँ यस सर्कल मैम के सेंटर से कॉर्ड पर, यस मैम जो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करे तो वो हाँ, लाइन तो क्या मैम होनी परपेंडिकुलर चाहिए? होगी मैम, जी एग्जैक्टली, परपेंडिकुलर। वेरी गुड। नेक्स्ट थ्योरम 10.5। मैम इसका मतलब है मैम 10.5 का मैम, जब मैम जो तीन तीन मैम उसे यस नॉन कोलिनियर। मैम नॉन कोलिन पॉइंट्स मैम एक यूनिक सर्कल पास होता है। जी, हमारे पास अगर ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक, एक और नहीं तो यूनिक सर्कल हर, पास होता है। यस यस यस, मैम एक यूनिक सर्कल पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट 10.6। मैं वो नहीं बताया सॉरी मैम। थ्योरम 10.6 किसी को याद है? यस मैम। बताइए बेटा। मैम अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं एक सर्कल में तो वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं सेंटर सर्कल के सेंटर से। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। और थ्योरम 10.7। अगर कॉर्ड्स जो होती हैं वो इक्वी डिस्टेंट हैं सेंटर से तो जो कॉर्ड्स की लेंथ होगी वो इक्वल होगी। वेरी गुड। तो हमने देखो फटाफट से सारी की सारी थ्योरम्स हम रिवाइज कर चुके हैं थ्योरम 10.7 तक, और आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसमें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है टॉपिक नंबर 10.7, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। यानी सर्कल की कोई आर्क एंगल जो बनाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए आपने कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को देखा होगा,
यानी डायमीटर से अलग हटके जो कॉर्ड होती हैं, डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है, लेकिन डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल को दो बिल्कुल सेंटर में वो पॉइंट्स होते हैं, यानी आर्क को भी दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। अगर आप सर्कल की बाउंड्री देखो तो सर्कल के डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो आर्क को भी, सर्कल की बाउंड्री को भी दो इक्वल डिस्टेंस में कट करते हैं। बट इफ यू हैव अ सर्कल, यहाँ मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, सपोज आपके पास एक सर्कल है ऐसा, सपोज वी हैव अ सर्कल लाइक दिस, ठीक है। अब अगर आप इसमें डायमीटर ड्रॉ करो, इफ यू ड्रॉ डायमीटर, अगर आप इसमें एक डायमीटर ड्रॉ करो तो यहां देखिए, अब आप सर्कल की बाउंड्री देखना, सर्कल की बाउंड्री जो ग्रीन कलर की बाउंड्री आपको नजर आ रही है, इसको अगर आप डायमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर दो तो ये जो इसके एंड पॉइंट्स होंगे ना डायमीटर के, सपोज पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी वो सर्कल की बाउंड्री को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दिस पार्ट ऊपर मैम वाला और नीचे वाला पार्ट, ये दोनों इस वक्त ये आर्क जो है वो इक्वल आर्क्स हैं। लेकिन अगर आपके पास ये कॉर्ड डायमीटर ना हो करके एक नॉर्मल कॉर्ड हो, सपोज आपके पास ऐसी कॉर्ड है, ये कॉर्ड हमने बनाई इसमें, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस कॉर्ड को, अब ये हमारी बाउंड्री को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही है, ऊपर वाली जो बाउंड्री की लंबाई है यानी जो आर्क है, बाउंड्री का जो टुकड़ा होता है ना, पार्ट ऑफ बाउंड्री या पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, वो क्या होता है, वो आर्क होती है। जैसे एक बैंगल है, बैंगल एक चूड़ी है, वो अगर उसको वो टूट जाए कहीं से तो उसके दो हिस्से बनेंगे, कुछ ऐसा बनेगा, एक छोटा हिस्सा बनेगा ये। तो यहीं से हम समझेंगे इस चीज को, ये जो आर्क होती है इसको हम क्या कहेंगे, ये है माइनर आर्क, माइनर यस, और दिस वन इज यहां से लेके आर्क, यहां तक, सी डी, अगर पॉइंट देखो सी से लेके डी तक का जो लॉन्गर डिस्टेंस है बड़े वाला, दैट इज योर मेजर आर्क, मेजर आर्क। ये मेजर आर्क है, ठीक है। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, एक बच्चा जरा रीड करे इसे, यहाँ से रीड कीजिए माइनर के बाद से, पढ़िए बेटा, अब है पढ़ो आप, मैम कहाँ से मैम? If you take two equal chords, what can you say about the size of arcs? अगर दो इक्वल कॉर्ड्स लेते हो तो आर्क के साइज में क्या कह सकते हो, आर्क के बारे में क्या कहोगे, आपको क्या लगता है। मान लीजिए आपके पास दो आर्क हैं, यहाँ पे अभी हमने एक आर्क बनाई थी ना सीडी, अगर मान लो मैं सीडी को Yes, कॉपी ma'am. करूं, सीडी को कॉपी करूं, ये मैंने सीडी को कॉपी कर लिया यहाँ पे, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, और ये मैंने कॉपी कर लिया ऐसे ऐसे, और दूसरी आर्क हमारे मिल गई, एग्जैक्ट सेम लेंथ की आर्क है, देखो मैं इसे कहीं पर भी फिट कर सकती हूँ सर्कल में यहाँ, और इसको मैंने नाम दे दिया आर्क को, सपोज पी क्यू, ठीक है। अब जो आर्क सीडी बना रही है और जो आर्क, यहाँ मेजर आर्क वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ दो कॉर्ड्स के बारे में, डायमीटर को भी हटा देते हैं, ठीक है। दो कॉर्ड्स हैं अभी हमारे पास जिनकी आर्क, जिनकी लेंथ इक्वल है, तो आपको ये बताना है इन, ये जो दोनों कॉर्ड्स आर्क बना रही हैं, इनके पीछे जो आर्क है माइनर आर्क, क्या इस आर्क की लेंथ भी इक्वल होगी। पढ़ो बेटा यस मैम इक्वल होगी अब क्योंकि कॉर्ड टू कॉर्ड है। यस मैम, हाँ अब ऐसे यस रीड करो जरा आगे। मैम इज वन कार मेड बाय फर्स्ट कॉर्ड इक्वल टू करस्पोंडिंग आर्क मेड बाय अनदर कॉर्ड इन आपको क्या फैक्ट लगता है इसका दे आंसर आर क्या मोर होगा, इक्वल होंगी या नहीं मैम होंगी। करस्पोंडिंग आर्क यस, इक्वल होंगी क्योंकि मैम तो उनसे जो जस्ट सेंटर यस से मैम टूटी है इक्वल मैम होंगी। वो सेम है।
एग्जैक्टली आगे पढ़ो. दे आर कॉन्ग्रुएंट इन द सेंस. In fact, they are more than just equal in length. आगे देखो क्या लिखा है. सिर्फ इक्वल ही नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है. किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है कि अगर आप एक आर्क के ऊपर दूसरी आर्क को डालो बिना बेंड किए या बिना ट्विस्ट किए तो वो बिल्कुल एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी. सुपर इम्पोज का मतलब है पूरी तरीके से कवर कर लेंगी. ठीक है, अगला पैराग्राफ रीड कीजिए बेटा. मैं हाँ, कोई भी बच्चा रीड करे और उसे एक्सप्लेन करे. पढ़िए. अभय आप पढ़ो बेटा. अभय पढ़ेगा या पौर्वते भी पढ़ सकते हैं, उनके यहाँ भी नेटवर्क ठीक आते हैं. सूर्यांश पढ़ सकते हैं, वैष्णवी पढ़ सकती हैं. वैष्णवी की आवाज भी मुझे क्लियर सुनाई दे रही है. रीड कीजिए. यस मैम, यू कैन वेरीफाई दिस फैक्ट बाय कटिंग द आर्क करस्पोंडिंग टू द कॉर्ड सीडी फ्रॉम द सर्कल अलोंग सीडी एंड पुट इट ऑन द करस्पोंडिंग आर्क मेड बाय इक्वल कॉर्ड एबी. मतलब क्या है इसका, समझाइए. यू विल हम इस फैक्ट को ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कट कर सकते हैं एक आर्क को जिसका नाम सीडी है. हाँ, जैसे ये साइड वाले सीडी फिगर कॉर्ड में जो भी दे आर्क रखा बना रही है. है ना, सीडी कॉर्ड जो आर्क बना रही है उस आर्क को वहां से इतना हिस्सा कट कर सकते हैं और एबी वाली जो आर्क है उसके ऊपर रख कर देख सकते हैं. हमें क्या पता चलेगा? यस मैम, कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर नहीं है. यस मैम, यस एग्जैक्टली. तो यहाँ से आपने ये चीज अभी एक्टिविटी के थ्रू ही समझी है और अब आप थ्योरम पूरी अच्छे तरीके से ये वाला स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो. इस स्टेटमेंट को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है. इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं सर्कल की जो, तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर्क्स होंगी वो भी कॉन्ग्रेंट होंगी. एंड कन्वर्सली, और इसका कन्वर्स भी सही होगा कि अगर दो आर्क जो है हमारे पास अगर वो कॉन्ग्रेंट हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स इक्वल होंगी लेंथ में. बोलो बच्चों, सबको समझ में आई ये वाली बात? यस मैम. यस मैम. अब आगे बढ़ते हैं. यहां से अब पढ़ते हैं. अब हमने आर्क के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आर्क जो एंगल बनाती है सेंटर पे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. जब हमने ये इतनी बात कही ना बेटा, ये वाली बात जब बोली हमने, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आर्क जो एंगल बना रही है, जब तक आपको कुछ ना कहा जाए तो आप ये कहो, ये समझोगे कि वो एंगल कहाँ बना रही है, सेंटर पर बना रही है. सो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये पूरा स्टेटमेंट है कि आर्क सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है. यहाँ देखो हमारे पास एक आर्क है, आर्क का नाम है पी क्यू. ये सेंटर पर एक एंगल बना रही है, एंगल का नाम क्या बनेगा यहाँ पर, पी ओ क्यू. पी ओ क्यू, ठीक है. ये एंगल आर्क बना रही है सेंटर की ऊपर. अच्छा, अब इसमें इन्होंने ये बोला है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड एट द सेंटर इन द सेंस दैट द माइनर आर्क सबटेंड्स द एंगल एंड द मेजर आर्क सबटेंड्स द रिफ्लेक्स एंगल. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इन्होंने कहा है कि जो आर्क का अगर आपको एंगल बनाना है, मैं आपको समझाती हूँ. देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, करके देखते हैं. ये कहना चाह रहे हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पर जो आर्क एंगल बनाएगी वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? वो वही एंगल होगा जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड बनाएगी सेंटर पर एंगल. यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास एक आर्क है, ये PQ आर्क है. मैं इसे आर्क को ना कलर करके दिखाती हूँ आपको. ये वाली जो आर्क है रेड कलर से जो मैं शो कर रही हूँ, दिस आर्क, ठीक है. और इस कॉर्ड को भी हटा दो, अभी हटा दीजिए इसको. अगर आपको ये एंगल निकालना है कि ये PQ आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, तो ये एंगल वही एंगल होगा जो इस आर्क की कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड सेंटर पर बना रही होगी. देखो समझने के लिए,
आप इस आर्क की जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड है वो बना लीजिए, ये होगी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। और देखो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड यही वाला एंगल बना रही है ना सेंटर पर, POQ। मैम हाँ जी हाँ जी बोलो। मैम ये बोर्ड हैंग हो गया मैम। बोर्ड हैंग हो गया, यस मैम चलने लगा। यस मैम ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये वाला स्टेटमेंट कितने बच्चों को समझ में आया ये बताओ, जो मैंने अभी ये बात लिखी है, ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया है कि आर्क वही एंगल बनाएगी सेंटर के ऊपर जो एंगल उसी आर्क की जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड है वो बनाएगी। और इसका रीजन क्या है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो एंगल बनाती है माइनर आर्क पे, वो एंगल ये मतलब इतने डिग्री का, सपोज ये अगर 60 डिग्री का है तो बाकी जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, 360 में से अपने एंगल को माइनस करके, यानी 300 डिग्री का एंगल बचेगा। और ये एंगल कौन बनाएगा, ये बनाएगी मेजर आर्क। माइनर आर्क जो एंगल बना रही है ना, मेजर आर्क बनाएगी रिफ्लेक्स एंगल उस एंगल का जो एंगल माइनर आर्क बना रही है। समझ में आया सभी बच्चों को बेटा? यस मैम। यस क्लियर है ना? यस तो हाँ ये मैंने अभी आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी 60 डिग्री का तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया था, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो एंगल जो आर्क पी क्यू जो एंगल बना रही है वो वही आर्क होगा जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड बना रही होगी। और इस केस में हमारे पास जो कॉर्ड पी क्यू है वो एंगल बना रही है एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एंगल का नाम है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो अच्छा मैं यहीं से अगर आपसे पूछूँ कि मैंने कहा कि माइनर पी क्यू, माइनर आर्क पी क्यू एंगल बना रही है एंगल पी ओ क्यू, तो मेजर आर्क पी क्यू कौन सा एंगल बनाएगी? मेजर आर्क मतलब जो आपको ग्रीन कलर की आर्क नजर आ रही है, पी क्यू पॉइंट से ही बनी है वो भी, पर मेजर आर्क है, वो कौन सा एंगल बनाएगी? वो बनाएगी रिफ्लेक्स। यस रिफ्लेक्स एंगल ऑफ पीओ क्यू, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ पीओ क्यू। पीओक्यू ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। ठीक है, तो थ्योरम 10.8 का स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा। ये रहा, देखिए थ्योरम 10.8 का स्टेटमेंट ये है कि एंगल जो आर्क बनाती है सेंटर पर, ठीक है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब इसका क्या मतलब हुआ वो मैं आपको समझा देती हूँ। उसके लिए हमें ये तीनों डायग्राम्स देखने पड़ेंगे। ये जो तीन डायग्राम्स है, ये प्रूफ हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये तीन डायग्राम्स हमें देखने पड़ेंगे। तो पहले तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं और ये मैं आपको समझा भी देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, फ्रेश पेज पे उसे कॉपी कर लेते हैं। थ्योरम 10.8 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका सबसे पहले फर्स्ट जो फिगर है उससे हम समझेंगे, क्योंकि इसी तरह के फिगर के क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये थ्योरम ये कह रही है कि आर्क जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर, जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास आर्क है पी क्यू आर्क, पी क्यू आर्क है, ये सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है, एंगल पी ओ पी क्यू ओ क्यू जो मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ। ये एंगल डबल होगा उस एंगल के, ये आर्क दो एंगल बना रही है, देखो ध्यान से देखना, एक एंगल तो वो सेंटर पे बना रही है और एक एंगल उसने सर्कल पर एक पॉइंट चूज कर लिया, पॉइंट ए, सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट चूज कर लिया, एक एंगल वो बना रही है ए पॉइंट पर, यानी दो एंगल हमारे पास है। मैं दो डिफरेंट कलर से दिखा रही हूँ यहाँ पे, एक एंगल बन रहा है पी ए क्यू, पी ए क्यू एंगल पी ए क्यू, और दूसरा एंगल बन रहा है एंगल पी ओ क्यू। ध्यान से देखो,
ये दोनों एंगल्स की मैं बता भी रही हूँ कौन से एंगल्स हैं। पी ओ क्यू तो वो एंगल है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, बाय द आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बना है एट द सेंटर। और ये वाला जो एंगल है पी ए क्यू ये कौन सा है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, सबटेंडेड बाय द आर्क, द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये जो इन्होंने कहा है ना एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, वही वाला एंगल एट एनी पॉइंट। हमारे पास इस केस में, इस क्वेश्चन में जो हमें फिगर दी हुई है इसमें ए पॉइंट पर बन रहा है, ये एनी पॉइंट की जगह आप एट ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स हमें दिए हुए हैं। अब थ्योरम के हिसाब से जो सेंटर पर एंगल बन रहा है यानी पी ओ क्यू, वो हमारे पी ए क्यू एंगल का एंगल ऐसे डबल होगा, डबल होगा। ये थ्योरम का पूरा सार है यानी समरी है आपके थ्योरम की, इस तरीके से समझ सकते हो। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर ये एंगल 50 डिग्री का है एंगल पी ए क्यू, तो पी ओ क्यू हो जाएगा 100 डिग्री का, 100 डिग्री का, ठीक है बेटा। यस मैम। ये चीज ही समझनी थी बस आपको। ये थ्योरम 10.8 का स्टेटमेंट है और उसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, ये आप नोट कर लीजिए, यस मैम, कर लिया, ठीक है। चलो अब एक बार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये बड़ा बहुत अच्छी फिगर बनी हुई है, देखो ये वाली, इन्होंने दो तीनों केसेस ले रखे हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और 90 डिग्री। सेकंड वाली जो फिगर है अगर आप ध्यान से देखो, इसमें सेकंड फिगर सेकेंड केस को देखो, यहाँ से यहाँ पर इसमें आपको पी ओ क्यू भी बन रहा है और पी ए क्यू भी बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होंगे और ये आप हमेशा याद रखोगे। ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो ना अभी, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ये चीज़ का ध्यान रखना बेटा, इसीलिए ध्यान से समझना। एक पहला रूल याद रखना, डायमीटर, डायमीटर जो होता है वो सेंटर उस पे सर्कल के बाउंड्री पर, या फिर ऐसे ऐसे बोल सकते हो, डायमीटर की बजाय ऐसे बोलो, एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल, एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्कल, या एंगल फॉर्म्ड बाय अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बना रहे ना, एंगल फॉर्म्ड बाय अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है या सेमी सर्कल जो एंगल बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि आपने एक पॉइंट ए ले लिया जैसे यहाँ पे, अब ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये आर्क जो है आपकी, ये आर्क और कुछ नहीं बल्कि एक सेमी सर्कल है। बोलो इस चीज से अग्री yes, करते हो या नहीं? यस मैम, करते हो ना? यस मैम। और ये सेमी सर्कल जो है वो हमारे सर्कल की बाउंड्री पर, मतलब जो एट एनी पॉइंट हम लेते हैं, वो वाले एक पॉइंट हमने ए ले लिया, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब आपको इंटरेस्टिंग बात मैं ये बता रही हूँ कि अगर यही सेमी सर्कल आप कोई भी कहीं और भी पॉइंट ले लो ना, यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया पॉइंट बी, यहाँ आपने पॉइंट ले लिया पॉइंट सी, जितने मर्जी आप पॉइंट यहाँ पे ले लो, जब आप उन पॉइंट्स पर भी एंगल बनाओगे ना, वो तो 90 डिग्री के ही बनेंगे। आप जितने मर्जी एंगल यहाँ पर बनाइए, जैसे यहाँ से ये वाला एंगल हमने बना दिया सेमी सर्कल से, ये भी 90 डिग्री का बनेगा पी बी क्यू। यस मैम। सी पॉइंट पर अगर आप बनाओगे वो भी 90 डिग्री बनेगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है एंगल पी ए क्यू, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो सेंटर पर एंगल बनाती है आर्क, यानी ये वाला जो एंगल है, ये इसका डबल होता है। तो अगर ये 90 है तो ये आपका 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और हो भी रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल भी मैम, बेस ही पता चल जाएगा मैम, है ना? समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये सेकंड केस था हमारा इसका। अब थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में इन्होंने इसे ऑब्ट्यूज एंगल लिया हुआ है। देखो थर्ड केस देख लेते हैं थ्योरम का, तो इसको हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। अच्छा ये थर्ड केस देखिए बेटा, थर्ड केस में जो एंगल है हमारा क्या हो गया है ये, अरे
ये जो थर्ड केस है इसमें आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा है ना ये हमारा स्क्रीन हैंग हो रहा है, 1 मिनट रुको बेटा। यहाँ पर देख लेते हैं, चलो इसमें भी आपका जो एंगल है, इसमें जो सेंटर पर एंगल बना रही है ना आर्क, वो आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप पी क्यू आर की बात करो तो नीचे इस वाले, अब हमारे पास क्या है, मेजर आर्क है। अगर आप नीचे की तरफ से देखो तो पी ओ क्यू एंगल ये वाला जो है ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा आपका, अंदर वाला जो एंगल है उसके कंपैरिजन में। और अभी भी इस केस में भी, थर्ड केस में भी, जो ये दोनों एंगल्स हैं ये आपस में वही रिलेशनशिप रखेंगे कि पी ए क्यू हो जाएगा, पी ए क्यू का डबल एंगल होगा एंगल पी ओ क्यू। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ ये मत करना, कई बार क्या होता है बच्चे पी ओ क्यू तो लेते हैं लेकिन अंदर वाला ले लेते हैं, ये वाला ये नहीं लेना है। अगर ये आप एंगल ले रिफ्लेक्ट रहे लेना है हैं, इसका, हाँ इसके बाहर वाला एंगल ही लेना है आपको पी ओ क्यू, ठीक मगर अंदर वाला है, लेंगे वो तो सेम हो जाएगा मैम। सेम हो जाएगा वो तो, सेम हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रख, सेम तो नहीं होगा वो, उसमें वो रहेगा आपका 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, सेम भी हो सकता है वो आप निकाल के देख लेना, लेकिन इसका आपको बाहर वाला एंगल ही लेना है। अगर पी ए क्यू आप ले रहे हो तो उसका जो बाहर वाली आर्क है वो वाला एंगल आपको कंसीडर करना है, नीचे वाली आर्क जो है उसको कंसीडर करना है। ठीक है, तो वैसे भी देखो रिमेनिंग पार्ट की बात की थी ना इन्होंने, तो अगर एंगल ए आपका इस वाले पार्ट में है, आर्क के इस वाले हिस्से में है, एंगल सेंटर वाला जो एंगल है अगर ये है तो रिमेनिंग पार्ट वाला आपको लेना है पॉइंट, रिमेनिंग पार्ट फिर ऊपर वाला पार्ट हो गया ए पॉइंट। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, थ्योरम 10.8 के तीनों केसेस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम करेंगे थ्योरम 10.9, और थ्योरम 10.9 यही कहती है कि एक सेगमेंट में बने हुए सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सर्कल के एक सेगमेंट में बने हुए सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ये बिल्कुल उसी की तरह जैसे अभी मैंने सेमी सर्कल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था ना, वही उसी पे बेस्ड थ्योरम है ये मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ, एक डायग्राम बना के समझा देती हूँ। देखो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं एक बार, थ्योरम 10.9 इसको कॉपी कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे पहले मुझे बताओ थ्योरम 10.8 अच्छे से समझ में आ गई आपको? यस मैम, यस मैम, यस मैम, तीनों केसेस? यस मैम, ठीक है, यस मैम, ठीक है। चलो अब इसका नेक्स्ट थ्योरम जो है थ्योरम 10.9 वो देख लेते हैं। थ्योरम 10.9 क्या कहती है कि एक सेगमेंट, सर्कल के एक सेगमेंट में, पहले मुझे बता सेगमेंट कब बनता है, कौन सी चीज से बनता है वो सर्कल के मैम पास? कोण और आर के बीच का मैम जो पार्ट होता है मैम, वो ही मैम सेगमेंट होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात आपने बताई है। तो यहाँ से हम शेप बना लेते हैं, जरा सर्कल बना लेते हैं, ये रहा सर्कल। ठीक है, इसमें एक कॉर्ड बना लेते हैं, लेट्स मेक अ कॉर्ड हियर। ये हमने कॉर्ड बना ली एक, अब ये कॉर्ड दो सेगमेंट बना रही है यहाँ पे, मेजर ये माइनर सेगमेंट है ये मेजर और वाला, माइनर, हाँ ये माइनर सेगमेंट है और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है। यहाँ क्योंकि इन्होंने थ्योरम में नहीं बोला है कि हम किस तरह के सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये थ्योरम दोनों सेगमेंट्स में अप्लाई होगी। तो ये जो आपके पास कॉर्ड है ये कॉर्ड एंगल बनाएगी। अगर हम मेजर सेगमेंट की बात करें तो मेजर सेगमेंट में एक एंगल बनाओ, चलो एक एंगल मैंने ये बनाया, ठीक है, दूसरा एंगल मैंने ये बनाया, तीसरा एंगल मैंने ये बनाया। अलग अलग पॉइंट्स पे एंगल बना रही हूँ, और वो पॉइंट्स कहाँ हैं, वो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये वाला पॉइंट है एक P, एक पॉइंट ये ले लो इसका नाम दे दो Q, एक पॉइंट ये ले लीजिए R, ऐसे आप जितने मर्जी पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो इससे आप सेक्शन ये जो तीन एंगल्स आपने बनाए हैं, सेक्शन नाम, बेटा 1 मिनट रुकिएगा जरा, आ जाइए। कौन आया? कौन अच्छा,
मैथ्स के लिए 8 पेजेस की, ठीक है। और उसमें डेट क्या लिखी थी आने के लिए, 22nd है ना, 22 तारीख लिखी थी, आप आ जा गए हैं। क्यों? नवनीत तो बता रहा था कि यही लास्ट डेट थी, बोला आज जाना। आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं पढ़ते हो आप लोग, ये बताओ पहले, उसमें जो मैसेजेस लिखे होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 कल की डेट डिसाइड की गई है और कल ही आना था, बट अभी क्योंकि आप आ गए हैं तो मैं दे दूँ। काउंट कर लीजिए, 5 शीट्स है। हाँ तो अभी ये बात बताई ना आपने, एक्चुअल बात जो है नहीं, वो मुझे वैसे ही उसने ये आ ही बताया था, कल क्या मेरा एग्जाम है। शीट्स ठीक है, शीट्स कैलकुलेट वो काउंट कर लीजिए, 5 + 1 है ना? यस मैम, 5 + 1 6। 8 पेजेस वाली मैथ्स के लिए यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, इधर आइए, यहाँ नाम लिखिए, यहाँ आपको डेट लिखनी है, यहाँ साइन कर लें, ठीक है, नाम लिख लीजिए। हाँ तो बेटा मैंने आपको जो अभी बताया कि एक सेगमेंट में बने हुए जितने भी एंगल्स हैं ये सेम कॉर्ड से बन रहे हैं, ये सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यही कहती है हमारी थ्योरम 10.9 का जो स्टेटमेंट है वो यही स्टेटमेंट है, ठीक है। जी लास्ट, और अभी ये थ्योरम हमने पढ़ लिया, थ्योरम 10.9, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम हमारा हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास